विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज का हमारा नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 और टॉपिक है सकल तलपट अथवा तो ट्रायल बैलेंस। अभी तक हमने जैसे रोजनामचा, सहायक बहियां, उसके बाद खाता बही खतौनी, ये हमने कंप्लीट किया। और खाता बही में हमने देखा कि खाता बही में अलग अलग खाते बना करके और उसकी हम खतौनी करते हैं और खतौनी करके और उसका हम शेष ज्ञात करते हैं, वह शेष उधार होगा या तो जमा शेष होगा। और उस शेष के आधार पर अब हम बनाएंगे सकल तलपट, या उसको हम क्या कहेंगे, कच्ची तलपट। यह एक पत्रक स्वरूप में होता है और इसमें उधार और जमा ऐसे दो पक्ष का बना करके और उसमें खातों के शेष लिखे जाते हैं। तो अब थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, खातों के बारे में और उसमें किस तरह से इसमें इसकी प्रविष्टि की जाती है, तो ज़रा उसको देखा जाएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप इसमें सकल तलपट, तो सकल तलपट के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सकल तलपट यह, इसको हम कच्ची तलपट भी कहते हैं, यह एक पत्रक है। सकल तलपट एक ऐसा पत्रक है जो खाता बही में दर्शाए उधार और जमा शेष गणित की दृष्टि से सही है यह दर्शाता है। यानी कि उधार और जमा उसका जो शेष हम दर्शाएंगे, तो क्योंकि हम दोहरा लेखा पद्धति का उपयोग कर रहे हैं तो उधार और जमा दोनों का पक्ष एक समान हो जाता है और इससे पता चलता है कि हमारा लिखा गया हिसाब गणित की दृष्टि से सही है। उसके बाद है खाता बही में खातों के उधार या जमा शेष के आधार पर तैयार किया जाने वाला पत्रक अर्थात सकल तलपट अथवा तो कच्चे तलपट। उसके बाद देखिए, सही और उचित दृष्टिकोण, ट्रू एंड फेयर व्यू, ये किस पर आधारित है, तो धंधा के हिसाब सही और उचित हैं ऐसी जानकारी दो बाबतों के आधार पर निश्चित होती है। पहला, हिसाब गणित की दृष्टि से सही है और दूसरा, हिसाब नियमों के आधार पर तैयार किए गए हैं। उसके बाद देखिए, सकल तलपट के रक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ है पहले तो पत्रक, तो आपको ये जानना है इसके अंदर कि कच्ची तलपट या सकल तलपट ये पत्रक स्वरूप में तैयार होता है और पत्रक स्वरूप में तैयार होने से आपको समझना है कि सकल तलपट यह एक खातों की शेष को दर्शाने वाला एक पत्रक है। उसके बाद है निर्धारित समय, स्पेसिफिक पीरियड। ये जो खाता बही आप बनाते हैं और उस खाते के शेष को पत्रक में दर्शाते हैं और सकल तलपट तैयार करते हैं, तो वो निश्चित समय अवधि का होता है। सामान्य रूप से वह समय एक वर्ष अर्थात 12 मास का होता है। तो एक वर्ष के दरमियान जितने भी व्यवहार हुए हैं उन व्यवहारों को के आधार पर खाता बही में खतौनी करके और खातों का शेष निकाल करके इस पत्रक में दर्शाया जाता है। कई बार एक वर्ष से कम भी समय होता है, लेकिन सामान्य रूप से आपको एक वर्ष का समय बताना चाहिए इसमें। उसके बाद है गणित की दृष्टि से सही खाते, मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। आपने जो हिसाब लिखे हैं वो गणित की दृष्टि से सही हैं या नहीं, यह सकल तलपट निश्चित कर देता है। क्योंकि सकल तलपट में हम उधार और जमा शेष जब दोनों दर्शाते हैं तो दर्शाने के बाद उसका अंत में कुल योग करते हैं और कुल योग करने पर दोनों पक्ष का योग समान हो जाता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि जो लिखा गया हिसाब है वह सही है। उसके बाद है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। यानी जहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली होगी या डबल एंट्री सिस्टम होगी वहाँ पर सकल तलपट बनेगा और सकल तलपट बना करके उसका हिसाब चेक कर लिया जाएगा दोनों पक्ष का योग मिला करके। वार्षिक हिसाब के पूर्व का सोपान, अब जो इसके बाद फाइनल अकाउंट्स जो वार्षिक हिसाब बनेगा तो उसके पहले का ये स्टेप है वो है सकल तलपट, यह प्री स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स। यानी वार्षिक हिसाब जो है बनाने के पहले और खाता बही खतौनी करने के बाद ये जो तैयार किया जाता है वो सकल तलपट है। उसके बाद देखिए थोड़ा और इसमें जानते हैं इसके बारे में, सकल तलपट के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसमें है भूल ज्ञात करना और सुधारना। जब सकल तलपट बनाते हैं और मान लो दोनों पक्ष का योग नहीं मिला, दोनों पक्ष का योग अलग अलग आता है, तो हम भूल सुधारेंगे कि भूल उसमें है क्या, उसको ज्ञात करेंगे और फिर उसको हम करेक्शन कर लेंगे। कहीं ज़्यादा रकम से उधार हो गया हो, ज़्यादा रकम से जमा हो गया हो, तो वो चीज़ को हम यहाँ करेक्शन कर सकते हैं। गणित की दृष्टि से शुद्धता,
एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। और जैसा कि आप लोगों को बताया हमने कि ये जो हिसाब है वो गणित की दृष्टि से सही है, वो चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। उसके बाद है वार्षिक हिसाब में सरलता, यहाँ पर इजी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जब हम वार्षिक हिसाब बनाते हैं उसके पहले कच्चे चित्रपट बना लेते हैं तो उसमें रही हुई भूल इत्यादि प्राप्त हो जाती है, तो हमारा जो वार्षिक हिसाब होता है वो काफ़ी मतलब शुद्ध हो जाता है, यानी कि उसमें ना के बराबर भूल हो जाती है और इस तरह से हमारा हिसाब वो सरल हो जाता है। उसके बाद है खातों के शेष, यहाँ पर आपको खातों के शेष को ध्यान में लेना होता है। अगर खातों का शेष उधार है तो उधार पक्ष में लिखा जाता है और खातों का शेष जमा है तो जमा पक्ष में लिखा जाता है। उसके बाद अब आगे देखते हैं इसमें सकल तलपट तैयार करने की पद्धतियाँ, मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इनकी पद्धतियों में आप देखें, पहली पद्धति है योग की पद्धति। दो पद्धतियाँ बताना है आपको, पहली पद्धति है योग की पद्धति और दूसरी पद्धति है बाकी या शेष की पद्धति, बैलेंस मेथड। तो दो पद्धति है, तो ये पद्धति जो दूसरी है प्रचलित है और आपको इसी पद्धति का उपयोग करना होता है। और योग की पद्धति जो है इसके अंदर आपको जो है प्रश्न आपको मतलब करना नहीं होता, खाली आपको इसके अंदर योग लिख देना होता है बस। तो देखिए जैसे दिया योग की पद्धति, टोटल मेथड, इस पद्धति में खातों का उधार और जमा पक्ष का योग पत्रक स्वरूप में उधार और जमा लिखा जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक प्रश्न है और उसको हम देखते हैं किस तरह से इसको गिना जाता है, तो आपको ध्यान में आएगा। यहाँ देखिए अपनी किताब में इस तरह से देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एक प्रश्न में यहाँ पर जैसे दिया है कि उधार और जमा श्री धर्म की हिसाबी बही 31/3/15 को विविध खातों के उधार पक्ष और जमा पक्ष के योग दिए हैं, उस पर से सकल तलपट तैयार करिए। अब यहाँ पर योग दिया है टोटल, तो देखिए खाता का नाम है, खाता पृष्ठ संख्या है और खाता के प्रकार, खाता के उधार पक्ष का योग है, खाता के जमा पक्ष का योग है। तो अब इसके आधार पर आपको यहाँ पर बोला गया कि सकल तलपट तैयार करिए। तो जब इसके सकल तलपट आप तैयार करेंगे तो आपको क्या करना है कि जैसे पूंजी खाता है तो पूंजी खाता का योग उधार में कुछ होता नहीं, जमा में होता है। जमा में कितना रुपया है, 90,000, तो हम जैसे है वैसे उतार देंगे इसके अंदर। ये देखिए पूंजी खाता है, तो पूंजी खाता के यहाँ पर जमा में ये हमने लिख दिया 90,000, यानी आपको इसे खाली लिखते जाना है इसके अंदर और दूसरा इसमें आपको कुछ निश्चित नहीं करना है। आहरण खाता है, उधार में 20,000 उसका योग, तो हम योग लिख देंगे इसका 20,000। तो यहाँ पर उदाहरण में, यहाँ पर आहरण में 20,000 इसका योग हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर अगला व्यवहार है आहरण खाता के बाद है परम खाता। यहाँ पर देखिए तो परम खाता का उधार का योग है 3,000 और जमा का योग है 9,500, तो ऐसे कैसे उतार देंगे 3,000 और 9,500। तो यहाँ पर 3,000 उधार में और 9,500 जमा में। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार है ये कर्म का खाता। कर्म का खाता देखिए 4,000 उधार है, 6,000 जमा है, तो जैसे उसे लिख देंगे 4,000 उधार है और 6,000 जमा है, इसको यहाँ दर्शा देंगे। फिर उसके बाद है कर्म के बाद है अस्मिता खाता। अस्मिता खाता में देखिए उधार में 8,000 है, जमा में 2,000 है, तो उधार में 8,000 है और जमा में 2,000, यानी आपको इसमें टोटल ही लिख देना है खाली योग की पद्धति होने की वजह से। फिर उसके बाद खुशबू खाता है। खुशबू खाता में देखिए जमा में 10,000 है, उधार में 10,000 है, जमा में 3,000 है, तो 10,000 और 3,000, यहाँ 10,000 और 3,000। फिर उसके बाद है यहाँ पर सेठ एंड ब्रदर्स, उधार में 9,000, जमा में 2,000, उधार में 9,000 और जमा में 2,000। उसके बाद आता है रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाता आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ 57,000 उधार में है और जमा में है 49,500, 57,000 और 49,500 टोटल जो है वैसे लिखते जाएंगे। फिर बैंक खाता देखिए, बैंक खाते में उधार में है 30,000 और जमा में है 8,000, उधार में 30,000 और जमा में है 8,000।
फिर उसके बाद आता है फर्नीचर संपत्ति है, इसमें एक ही तरफ होगा तो देखिए उधार में खाली 20,000 है, उधार में 20,000। फिर उसके बाद है फर्नीचर बाद खरीद खाता, उधार में है 25,000, तो यहाँ उधार में 25,000। फिर उसके बाद वेतन खाता तो बिक्री खाता, बिक्री खाता जमा में 28,000, यहाँ बिक्री खाता जमा में 28,000। फिर उसके बाद है वेतन खाता, अब देखिए यहाँ पर वेतन खाता उधार में 5,000 है, फिर उसके बाद मजदूरी खाता यहाँ पर 6,000 है, स्टेशनरी 1,000 है, बट्टा खाता यहाँ पर दिया यहाँ देखिए 2,000 है, और खरीद वापसी खाता 2,000 है। तो जैसे तैसे ऐसे उतार देंगे इसको, तो इस तरह से यहाँ पर जैसे वेतन खाता दिया है 5,000, वेतन खाता 5,000, फिर उसके बाद मजदूरी 6,000, फिर स्टेशनरी खाता 1,000, और बट्टा खाता 2,000, और खरीद वापसी खाता यहाँ जमा दिया है तो जमा कर देंगे, जमा पक्ष में लिख देंगे 2,000। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, खाली हमने खातों का योग जो दिया है उन खातों के योग को हमने क्रम से लिख दिया, उधार योग उधार में और जमा का योग जमा में, और अब इसके बाद हम इसका कुल योग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये उधार का जो योग है उसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 2,00,000, उधार का टोटल 2,00,000, यहाँ कुल, और यहाँ पर देखिए जमा पक्ष का है तो जमा पक्ष का भी टोटल हम करेंगे, ये भी आ रहा है 2,00,000, इस तरह से हो गया। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने कुछ भी इसमें मतलब विशेष नहीं किया, खाली इसमें हमको जैसे दिया है योग वैसे हम उतार दिए, उधार का योग उधार में उतार दिए, जमा का योग जमा उतार दिए, और फिर इसका कुल टोटल कर दिए। तो ये हुआ पहली पद्धति। अब देखिए दूसरी पद्धति, दूसरी पद्धति में यहाँ पर आपको दिया गया है बाकी या शेष की पद्धति, जिसको बोलते हैं बैलेंस मेथड। तो बाकी या शेष की पद्धति में आपको इसमें बताया गया कि इस पद्धति में खातों का उधार शेष और जमा शेष, यहाँ पर शेष आपको ध्यान रखना है, उधार शेष और जमा शेष को पत्रक स्वरूप में इसमें लिखा जाता है इसके अंदर। तो खाता या पत्रक या खाता स्वरूप में तैयार किया जाता है, और सकल तल पर पत्रक स्वरूप या खाता स्वरूप में तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये दो तरह से बनता है, ये जो है ये पत्रक स्वरूप मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आपको लिखना जरूरी नहीं है, आपको समझने के लिए लिखा है क्योंकि पत्रक स्वरूप की पद्धति है, खाता का नाम उसके बाद खाता पृष्ठ नंबर और उधार शेष, यहाँ पर योग नहीं आएगा शेष आएगा, और उधार शेष और उसके बाद यहाँ पर आएगा जमा शेष, तो इस तरह से बनेगा। और उसके बाद अगर आपको देखना हो इसको खाता स्वरूप कैसे बनता है, तो देखिए यहाँ पर है ये खाता स्वरूप है, खाता स्वरूप में क्या होगा, उधार शेष रकम जमा शेष रकम। तो आप कोई भी एक पद्धति से इसको बना सकते हैं, चाहे आप खाता स्वरूप बनाइए चाहे आप पत्रक स्वरूप बनाइए, दोनों में से कोई भी इससे बना सकते हैं। अब एक थोड़ा आपको महत्वपूर्ण जानने जैसा है यहाँ पर देखिए कि कच्चे तल पर जब हम शेष के आधार पर तैयार करते हैं तो यहाँ पर देखिए उधार और जमा दो चीज़ हमको उसमें ज्ञान होना चाहिए कि उधार क्या होता है जमा क्या होता है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए आहरण खाता उधार होता है हमेशा, खर्च के खाते वो हमेशा उधार होते हैं, अपना लेना बनता हो तो लेना का खाता उधार, संपत्तियां हो उसको आपको उधार करना होता है, माल का आवक का खाता, माल अपने पास आ रहा है जैसे खरीदी हो रही है या बिक्री वापसी हो रही है तो फिर ये हमेशा उधार होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। उसी तरह जमा शेष देखिए, जमा शेष में क्या होता है, पूंजी खाता है वो जमा होता है, अपना दायित्व तो बनता हो देना तो उसको जमा किया जाता है, माल का जावक है चोरी से गया माल आहरण से गया माल और जो है आग से नुकसान या आग में गया माल, ऐसा कुछ भी आपको माल की जावक दिया है, फिर उसके बाद है बिक्री है खरीद वापसी है ये सब माल की जावक के रूप में है, तो ऐसे व्यवहारों को भी हम क्या करते हैं जमा करते हैं। कोई उपज हुई हो लाभ हुआ हो उसको जमा करेंगे, अनामत है उसको जमा करेंगे, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है और इसके आधार पर आपको उधार से जमा से बनाता है। अब देखिए यहाँ पर अब ये सवाल अपने जो है बुक में ये प्रश्न नंबर यहाँ पर 4 यहाँ दिया गया है, तो इसके अंदर देखिए लिखा है
निम्नलिखित व्यक्तियों पर से प्रवीण पटेल का 31/3/16 के दिन पूरा होने वाले वर्ष का सकल तलपट तैयार कीजिए। तो यहाँ पर हम सकल तलपट तैयार करेंगे तो ये पत्र स्वरूप में बताएंगे। अब देखिए यहाँ खाता का नाम दिया है और रकम, और खाता का नाम रकम इस तरह दिया है, तो आपको ये जो शेष दिया है उसको आपको यहाँ पर लिख करके तैयार करना होता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कच्ची तलपट में बाकी जैसे आपको दिया है प्रारंभिक स्टॉक यहाँ दिया है तो 7,440 यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर इसको हम प्रारंभिक स्टॉक, ये माल स्टॉक है, अपना संपत्ति बनेगा, तो इसको हम उधार करेंगे। तो उधार में 7,440 ये लिख दीजिए इसको। ये हमने पत्रक स्वरूप में तैयार किया है, तो पत्रक स्वरूप में आप खाता स्वरूप में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये टाइटल देखिए, प्रवीण पटेल का तारीख 31/3/16 के दिन का सकल तलपट, ऐसा हेडिंग कर देने का है। और उसके बाद फिर यहाँ पर खाता का नाम, खाता पिश, उधार शेष, जमा शेष। फिर उसके बाद देखिए भैया बाकी मजदूरी। अब मजदूरी क्या है, खर्च है, तो खर्च उधार होता है, तो इसको हम उधार करेंगे 4,000। ये देखिए मजदूरी खाता है यहाँ पर, और उधार अब कितना कर देंगे यहाँ पर 4,000। खर्च को उधार करते हैं उसके आधार पर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ दिया है बिक्री, बिक्री है 48,000। तो बिक्री यानी माल की जावक जमा होता है, तो जमा पक्ष में 48,000 बिक्री। फिर उसके बाद है मरम्मत। अब यहाँ पर मरम्मत खर्च है, तो मरम्मत खर्च है, तो उसको हम खर्च के रूप में उधार करेंगे। तो ये मरम्मत खर्च 800 रुपया है, तो यहाँ पर मरम्मत खर्च का था 800 रुपया उधार। फिर उसके बाद देखिए कर वेरा, ये भी खर्च है, तो खर्च होने से उधार करेंगे 600, तो कर वेरा 600 उधार। फिर उसके बाद है जमीन मकान, संपत्ति है, संपत्ति उधार होती है, तो 2,400 रुपया यहाँ जमीन मकान 2,400। फिर उसके बाद देखिए प्लांट मशीनरी, ये भी संपत्ति है, उधार करेंगे 3,000, तो यहाँ पर 3,000। उसके बाद है प्लांट मशीन, बिजली खर्च, अब खर्च है तो खर्च भी उधार होता है, तो 920 रुपया बिजली खर्च 920। फिर उसके बाद पूंजी है, पूंजी 16,000 है, तो पूंजी अपना दायित्व तो बनेगा, तो इसलिए इसको हम जमा कर बताएंगे, तो जमा पक्ष में पूंजी यहाँ पर 16,000 पूंजी। के बाद है ऑफिस वेतन, खर्च है 1,000 उधार करेंगे, ऑफिस वेतन उधार पक्ष में 1,000। उसके बाद है ऑफिस वेतन के बाद यहाँ पर दिया है पेटेंट, ये संपत्ति है, संपत्ति है, तो उसको उधार करेंगे। बैंक शेष, बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो जमा करते हैं, और बैंक शेष अपना लेना बनता है, तो उसको उधार करेंगे, तो पेटेंट 400 और बैंक शेष 1,800 दोनों हमने उधार कर दिया संपत्ति और लेना के रूप में। उसके बाद देखिए आगे बैंक शेष और ये हो गया। उसके बाद आता है बैंक लोन, ये तो दायित्व होगा, जमा होगा, और आवक माल गाड़ी भाड़ा अपना खर्च होगा, तो इसको हम उधार करेंगे। तो यहाँ पर बैंक, पहले तो इसमें बैंक लोन खाता है, तो बैंक लोन अपना दायित्व जमा करेंगे यहाँ पर 1760 रुपया। और उसके बाद आवक माल गाड़ी भाड़ा खर्च है, उधार करेंगे 1200। उसके बाद यहाँ आवक माल के बाद खरीद खाता है, तो खरीद खाता माल की आवक है, उधार करेंगे 30,000। जावक माल गाड़ी भाड़ा खर्च है, उधार करेंगे 600। देनदार अपना लेना है, उधार करेंगे 8,000। रोकड़ शेष अपना संपत्ति बनता है, 80 रुपया उधार करेंगे। फुटकर औजार, ये उधार करेंगे, अपना संपत्ति है फुटकर औजार, संपत्ति होने से उधार होगा 720। इस तरह पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर खरीद खाता, तो खरीदी उधार है 30,000। जावक माल गाड़ा भाड़ा खर्च है 600। उसके बाद देनदार अपना लेना है, उधार होगा 8,000। रोकड़ शेष संपत्ति के रूप में 80 रुपया फुटकर औजार संपत्ति है 720। और अब देखिए आगे इसमें
यहाँ पर। इसके बाद है ये लेनदार, तो लेनदार जो है अपना दायित्व तो है, तो इसको जमा करेंगे 3,200 फुटकर आवक अपने जो है आवक है उपज है जमा करेंगे, ऑफिस फर्नीचर संपत्ति है उधार करेंगे और ख्याति संपत्ति है उधार करेंगे, दोनों लिख देते हैं इसके अंदर। लेनदार 3,200 लेनदार जमा हो जाएगा 3,200, फुटकर आवक भी अपनी आवक होने से ये जमा हो जाएगा 240, और ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर यहाँ पर दिया है तो ये अपनी संपत्ति होने से उधार कर देंगे इसको 240, और ख्याति संपत्ति है इसको उधार कर देंगे 6,000। तो इस तरह से आप देखें कि सारी बाकियों को हम इस तरह से यहाँ पर एक एक करके यहाँ दर्शा देंगे और उसके बाद फिर इसका योग करेंगे, टोटल करेंगे। यहाँ टोटल करेंगे तो उधार पक्ष का योग है जैसे इनका सबका योग करेंगे तो इसका टोटल आ रहा है कुल योग, कुल योग हो रहा है 69,200, यहाँ पर 69,200 इसका टोटल हुआ। और उसी तरह से जमा पक्ष का योग करेंगे तो जमा पक्ष के योग में यहाँ से 48,000, 16,000, 1760 और 3,200 और उसके बाद 240 इनको जोड़ेंगे तो इसका टोटल हो रहा है 69,200। इस तरह दोनों पक्ष का योग बराबर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सवाल नंबर 4 को पत्रक स्वरूप में कच्ची तलपट बना करके और उधार शेष जमा शेष को डिवाइड करके हमने लिख दिया और इस तरह से हमारा जो है पत्रक स्वरूप में कच्ची तलपट तैयार हो गया। तो आपको इस तरह से इसमें तैयार करना होता है। और अब अगले वीडियो में हम इसके अंदर और भी जो सवाल हैं जिसके अंदर हम खातों को उधार बाकी जमा बाकी लिखेंगे तो उसमें अंदर से आएंगे। धन्यवाद।